हेलो फ्रेंड्स, आज आपको ड्राइंग रीड करना सिखाएंगे कि ड्राइंग रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राइंग कभी भी रीड करते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना कि इधर लेफ्ट टू राइट, सॉरी सॉरी राइट टू लेफ्ट, यानी कि इधर से ऐसे ऐसे ड्राइंग को रीड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेकिन क्या करते हैं इसको रीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राइंग को रीड करने के बाद हम एक चीज़ देखते हैं इसके अंदर, ये सिम्बल्स, ये कौन सा एंगल का अपने पास सिंगल्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंगल का सिंबल्स है, ये कौन सा फर्स्ट एंगल का सिंबल्स है। ठीक है, ड्राइंग का फर्स्ट एंगल सिंबल्स है, ये अपना टाइटल होता है। ठीक है, ये टाइटल होता है, ये डेट होती है कब को डेट बनी है, ये सीट नंबर दे रखा होता है। ठीक है, ये कब अप्रूव हुई है, कब ये ड्राइंग बनी है, इन सब का ये रहता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में अपन मेन चीज़ रहता है कि ड्राइंग ड्राइंग एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस की इसमें दे रखा है कि अपने पास ISO 27601, ये टॉलरेंस के हिसाब से इन्होंने बना रखा है पूरा ड्राइंग। ठीक है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है वो इसमें डाल रखा है, इसमें साथ साथ वेट डाल रखते हैं कि कितना क्या वेट आएगा, इसमें वेट का भी रहता है कि अपन इसमें क्या वेट डाल रखा है, स्केलिंग का रहता है, साथ में अपने टाइटल के साथ ड्राइंग नंबर भी रहता है इधर। ठीक है, तो कभी भी अपन ड्राइंग बनाते हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राइंग बनाने से पहले हम ड्राइंग को इधर से रीड करते हैं, उस पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो देखते हैं, उसके बाद में हम जो ड्राइंग नंबर है वो सेव करते हैं। ठीक है, आपको बताऊंगा कटिया के अंदर कैसे कैसे ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, हम इस ड्राइंग को प्रॉपरली कटिया के अंदर बनाएंगे इसको। ठीक है, उसका स्टार्ट करेंगे, क्या क्या है उसके अंदर वो देखेंगे। अब अपन आते हैं इसके अंदर कि अपन क्या चीज़ लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम ये ड्राइंग अपने पास में, तो इस ड्राइंग को हम पहले अपन देखेंगे कि क्या है इसके अंदर पूरा, यानी कि इसका लेंथ देखेंगे, हाइट देखेंगे, विड्थ देखेंगे, देखेंगे पहले पूरा प्रॉपरली। ठीक है, तो अपन देखो 120, ये अपने से यार लेंथ है इसकी। ठीक है, अब ये इसका हाइट कितना है 80, ये चीज़ पहले हम मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाकी और चीज़ देखेंगे, पहले ये दो चीज़ अपन मेजर करेंगे। ठीक है, अब उसमें कितने का अपन ने वो डाल रखा है, ये विड्थ टोटल कितने की है, यानी कितने का थिकनेस दिया है, जो हमने बोला था ना कि पैड करना, तो वो कितने का है, ये टोटल 45 का है। कितने का है, और जूम करते हैं, टोटल 45 का है। ठीक है, जिसमें से अपना जो ये हिस्सा है इतना इतना, ये कितना है अपने पास, कितना का है 45 का है। ठीक है, जो अपना ये हिस्सा है 35 का है, और जो आगे का ये हिस्सा है ये कितने का है 10 का है। ठीक है, उसको समझिए, इसमें आगे देखते हैं, जो पहले मेन मेन चीज़ है वो समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, पहले ये दे रखा है इधर लिखा है M4। ठीक है, मतलब कि इसमें टेपिंग है, ये टेपिंग है, इसमें सिंबल दिखा रहा है, कैसे दिखाता है टेपिंग और सिंबल्स, जैसे कि सेंटर लाइन हो गया, ये हो गया, अब इसके अंदर से ऐसे टेपिंग का ऐसे सिंबल दिखाते हैं, तो ये इसमें क्या हो गया, टेपिंग का सिंबल्स हो गया। ठीक है, तो ये M4 है, ये टेपिंग है। M4 के लिए अपने को कितने का ड्रिल मारना पड़ता है, M4 के लिए अपने को ड्रिल मारना पड़ेगा 3.4 का समथिंग। ठीक है, क्योंकि जितना की टेपिंग होता है, जितने का उसमें दे रखा होता है M4, तो इसमें M4 ने इसमें स्टैंडर्ड ISO स्टैंडर्ड यूज़ करके फिर उसको अपन टेपिंग मारते हैं। ठीक है, 0.4 कम करके इसमें 0.4। ठीक है, ओके, अब आते हैं अपन इसमें, ये देख रखा होगा आपको जो ये वाला दे रखे ना कॉर्नर पे दो, ये क्या है, तो आप सोच रहे हो कि आपने कि ये दो सर्कल दे रखे हैं, नहीं ये दो सर्कल नहीं है, ये क्या है अपना इस टाइप का है, ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है। ठीक है, तो ये अपने पास कितने का डाया है, ये अपने पास दे रखा है 13.5 का डाया दे रखा है, 13.5 का, और डीएस की कितने दे रखी है 8.5, और जो नीचे वाला है वो कितने का है, ये अपने पास कितना है 8.8 का है। ठीक है, डाया कितने का, 8 का नीचे वाला, मतलब कि जब 8 का आ रही है तो इसमें मतलब M6 का होल जाएगा, कितने का जाएगा M6, यानी कि ये थ्रू है पूरा, ओवरऑल क्या ये थ्रू है, और इसमें M6 का हम क्या डालेंगे, M6 का हम बोल्ट डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, M6 का बोल्ट डालेंगे, पूरा थ्रू है, देखो थ्रू लिखा ना, थ्रू मतलब आर पार है। ठीक है, ये आर पार है, समझ गए इस चीज़ का मतलब। पहले हम इसमें कभी भी अपन ड्रिल का होल करते हैं तो पहले हम छोटा ड्रिल मार के फिर बड़ा मारते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना कि पहले अपन छोटा ड्रिल मारते हैं, क्यों, ताकि अपने को सेंटर पॉइंट मिल सके, उसके बाद हम आगे का पॉइंट लेते हैं।
चलो आज हम इतना ही करेंगे, आगे इस ड्राइंग को रीड को कल करेंगे। आज हमने सिर्फ इतना ही देखा है इसको, ये कितना क्या डेप्थ डालते हैं, कितना क्या डालते हैं, कितनी थिकनेस है, कितना वो है, ठीक है, इसमें ये देखा है। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे इसमें और सीखेंगे। ओके भाई फ्रेंड्स, इधर ये पूरा नोट है, ये नोट भी बढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलो आगे का ड्रिंक कर करेंगे, कल इसको पूरा कटिया के अंदर बनाएंगे और उसको पूरा ग्लू डाल के ही करेंगे एकदम, पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह सब समझाएंगे इसके अंदर।